हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितुस कॉर्नर। आज की रेसिपी है ओरियो केक। ये केक बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ओरियो केक बनाने के लिए मैंने 4 पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हैं। एक नाइफ की हेल्प से इन बिस्किट्स के बीच की क्रीम को अलग निकाल लेंगे। इन बिस्किट्स को हाथ से थोड़ा सा तोड़ लेंगे ताकि ये मिक्सी में आसानी से पिस जाएं। अब इन्हें एक मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे। बिस्किट्स को अच्छे से पीस लेंगे। पीसे हुए बिस्किट्स को एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें 2 छोटे चम्मच चीनी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है जो रूम टेम्परेचर पर है। दूध ना तो ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए बिस्किट्स का एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। बैटर ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे। केक बेक करने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें 1 कटोरी नमक डालेंगे। नमक को अच्छी तरह फैलाकर इस पर 1 कटोरी उल्टी करके रख देंगे और इसे एक बड़े ढक्कन से ढक देंगे और प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। केक बेक करने के लिए एक बर्तन लेंगे। इसमें थोड़ा सा घी डालकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी सूखी मैदा डालकर चारों तरफ फैला लेंगे ताकि केक बर्तन में चिपके नहीं। अब हमने जो केक के लिए बैटर बनाया है इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर डालकर हल्के हाथ से बैटर पर मिक्स करेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे। बेकिंग पाउडर डालने के बाद बैटर को ज़्यादा देर रखना नहीं है। इसे ग्रीस किए हुए बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। बर्तन को हाथ से थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहें। अब कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और बैटर वाले बर्तन को कटोरी के ऊपर रख देंगे। ढक्कन को वापस लगाकर गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर करेंगे और इस केक को 25 से 30 मिनट तक बेक होने देंगे। 25 मिनट बाद ढक्कन हटाकर केक चेक कर लेते हैं। इसके लिए एक टूथपिक केक में डालेंगे। टूथपिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब केक बेक हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब जो हमने बिस्किट्स के बीच में से क्रीम निकाली थी इसे चम्मच से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर इसको बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे। केक ठंडा हो गया है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बना है। अब एक नाइफ लेकर इसके ऊपर से एक बिल्कुल पतली सी लेयर काट कर अलग कर देंगे। अब जो हमने क्रीम तैयार की थी वो केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे। अब कोई भी एक चॉकलेट लेंगे। मैंने यहाँ डेरी मिल्क की चॉकलेट ली है। इसे केक के ऊपर एक छोटे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर देंगे। केक बिल्कुल रेडी है।